संग्रामपुर नाम का एक गांव था। संग्रामपुर में दो बुढ़िया तारा और सितारा रहा करती थी। पूरे संग्रामपुर से उनकी बहसबाजी चला करती थी। तुमने कल जो मछलियाँ दी थी उनमें कोई स्वाद नहीं था। लगता है मेरा डर इस बाजार में कम हो गया है। नहीं तारा जी, आपसे पूरा बाजार अब भी डरता है। कल आपसे पहले सितारा जी आकर ताजी ताजी मछलियाँ लेकर चली गई। उस सितारा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमेशा मुझसे पहले और आगे होकर मलाई खा जाती है। मलाई नहीं, मछली। चुप रहो और कहीं और से लाकर मछलियाँ दो। तारा और सितारा का इतना खौफ था कि बाजार वाले उनके एक कहने पर उनकी मांगी हुई चीजें ला देते। उतने में वहाँ पर लखन भागते हुए आया और तारा से कहने लगा, दादी दादी दादी, खेतों में किसानों का ट्रैक्टर फंस गया है, उसे चलकर निकालिए ना, बड़ी दुआ लगेगी। दादी किसको बोला? कॉल मी तारा ओनली। और बददुआ क्यों लगेगी? बड़ी दुआ दादी, बड़ी दुआ लगेगी। लखन की बात सुनकर तारा वहाँ चली गई और खेतों में ट्रैक्टर फंसा देख कहने लगी, ये तो बस छोटा सा काम है, हट जाओ सब लोग, मैं देखती हूँ। तारा खेतों में चली गई और ट्रैक्टर जो कि आधा खेत के अंदर फंसा हुआ था, तारा के एक झटके से ही बाहर निकल आया। कमाल है, इस बुढ़िया में इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक मैं हूँ, 24 साल का हूँ, लेकिन कमर में अभी से दर्द है, बाल झड़ रहे हैं और हाइट भी कम है। तारा के इस कर्तव्य से सारे हैरान हो गए थे। उतने में वहाँ पर सितारा आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो खेत के अंदर भी ना जाती और ट्रैक्टर को बाहर निकाल देती। बड़ी आई ट्रैक्टर को निकालने वाली, कुएं से पानी निकालने भी तुम्हारा हाथ और कमर दर्द होने लगता है, और आई ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए। मैं यूँ छोटे मोटे खेल खेल कर टाइम पास नहीं करती, मैं बड़े बड़े कारनामे करती हूँ। सितारा वहाँ से इतना कहकर चली जाती है और तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, इससे मुझे क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती, पर अब लगाम लगाना पड़ेगा। तारा वहाँ से अपने घर चली गई और ताजी ताजी मछलियाँ पकाने लगी। आज मैं पेट भर कर मछलियाँ खाऊंगी, ताजी ताजी मछलियाँ। फिश करी बनाकर तूफानी फिश बना लूं। एक काम करती हूँ, आज तंदूरी फिश बना लूंगी, कल करी फिश या फिश फ्राई बना लूंगी तो देखा जाएगा। तारा ने पूरी विधि से अपने घर पर तंदूरी फिश बना ली, जिसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई और सितारा के घर पर जा पहुंची। वाह क्या सुगंध है, गांव में कहीं कोई मछली पका रहा है, अगर ये मछलियाँ मैंने नहीं खाई तो धिक्कार है मेरे सितारा होने पर। मछली मछली, अरे वाह, ये तो तंदूरी मछली है, लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो सितारा के घर से आ रही है, उस बुढ़िया को सबक सिखाने में अब मजा आएगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा बहन जी, आपका सोने का मंगलसूत्र नीचे गिर गया है। अरे यहाँ पर तो सोने के कई सारे कंगन भी हैं। क्या कहा, सोने के कंगन, मंगलसूत्र? हाँ मेरा ही है, मैं अभी आई। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तारा जैसे ही बाहर गई, सितारा ने अपने आप को बहुत ही छोटा कर लिया और तारा की खिड़की से अंदर घुस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास हैं। और सारी की सारी तंदूरी मछली खा गई, जिसे खाकर एक लंबी सी डकार लेकर सितारा तारा के बेड पर आराम करने लगी। वाह अद्भुत, यही जीवन तो मैं कब से चाहती थी, इसी स्वाद के लिए तो धरती पर हूँ। कोई बेवकूफी होगा जो मुझसे बदमाशी कर रहा है, और मैं भी खामखा के लालच में वहाँ चली गई। तारा अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर देखा कि सितारा ने सारी तंदूरी मछलियाँ खा ली हैं और बेड पर बड़े ही प्यार से विश्राम कर रही है। चारों ओर मछलियों के टुकड़े गिरे पड़े हैं। सितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सारी मछलियाँ तुमने खा ली? सारी मछलियाँ मतलब सिर्फ चार ही तो हैं, बड़ी स्वादिष्ट थी।
जैसे ही सितारा ने इतना कहा, तारा ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल उठाकर सितारा पर फेंक दिया। सितारा ने अपनी तरफ एक उड़ता डाइनिंग टेबल आते हुए देखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना कद बहुत ही छोटा कर दिया। डाइनिंग टेबल इतनी जोर से आया कि तारा के घर का टीवी उस डाइनिंग टेबल से टूट गया। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है, चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहकर सितारा दौड़ते हुए घर के बाहर चली गई और तारा उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर जाते ही सितारा ने वहां पर रखी रिक्शा अपने हाथों से उठा ली और सारे गांव वाले ये कारनामा देखकर दंग रह गए। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम देखना, इस गांव में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो हूँ मैं। इतना कहते ही सितारा ने अपने हाथों से उठाई हुई रिक्शा उठाकर तारा की तरफ फेंक दी, लेकिन तारा इतनी ताकतवर थी कि उसने उस रिक्शा को एक ही हाथ से पकड़ लिया और बड़े ताव से कहने लगी, ये बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो, तुम्हें तुम्हें। तारा का क्रोध बहुत बढ़ चुका था। तारा ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर उठाई ही थी कि गांव में राजा के दो सैनिक नगाड़ा बजाते हुए आए और कहने लगे, सुनो 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 सुनो, तुम दोनों अपने कर्तव्य बाद में दिखाना, पहले राजा जी का आदेश सुनो। राजा का आदेश ये है कि गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी भाग ले सकता है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर जिसमें हीरे और जेवरात भरे होंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिकों की बात सुनकर तारा ने ट्रैक्टर नीचे रख दिया और कहने लगी, ये दौड़ तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर, अब मजा आएगा। ट्रैक्टर मैंने बस नीचे ही रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब उस प्रतियोगिता में दूंगी। गांव के सभी जवान और बच्चे उस प्रतियोगिता में शामिल होने लगे। चारों तरफ प्रतियोगिता की धूम मची हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि प्रतियोगिता मैं जीतूं, लेकिन इन दो बुढ़ियों का मैं कैसे सामना करूँगा? देखा नहीं तुमने, उम्र के मुकाबले तो कहीं ज्यादा फुर्तीली और तेज है। मेरी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी जब उस बुढ़िया ने एक हाथ से ट्रैक्टर को उठा लिया था। हो ना हो, इन दोनों बुढ़ियों के पास कोई ना कोई चमनप्राश जरूर है, तभी ये इतनी तंदुरुस्त और बलवान है। तारा और सितारा भी दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी करने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन निकट आ चुका था। सारे ही जवान और बूढ़े प्रतियोगिता की कतार में खड़े थे। सब ने अपनी अपनी कतार पकड़ ली थी। तारा और सितारा भी वहाँ थी। आज जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर इनाम में मिलेगा। मेरी 3 गिनती में दौड़ना शुरू कर देना। अब देखना मेरा कमाल, अपने कद को बढ़ाकर एक ही छलांग में प्रतियोगिता मैं जीत जाऊंगी। 1, 2, 3। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अचानक उनमें एक और बुढ़िया सभी को पीछे करते हुए पूरे 4 सेकंड में 400 मीटर की प्रतियोगिता को पार कर गई। सारे गांव वाले उसे देखते रह गए। सभी बौचक्के थे, आखिर वो थी कौन? तारा सितारा की तो बोलती बंद हो चुकी थी। माँ कसम, ये बुढ़िया है या कोई चीता? चीता से भी तेज है ये तो। दो बुढ़िया गांव में पहले से ही थी, अब ऊपर से ये तीसरी बुढ़िया कहाँ से आ गई? राजा और प्रजा हैरत में पड़ चुके थे। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कहीं ये कांतारा तो नहीं है, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैं चेहरा देख लूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी, हो ना हो ये वही है। और जैसे ही तीसरी बुढ़िया ने अपना चेहरा राजा के पास जाकर दिखाया, तब तारा ने कहा, सत्यानाश, ये हमारी ही तरह है, इस धरती की तीसरी शक्तिशाली बुढ़िया कांतारा। दूसरी ओर राजा ने 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर कांतारा को इनाम के रूप में दे दिया। चारों तरफ कांतारा की वाहवाही होने लगी थी। अब मैं संग्रामपुर में ही रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत करूंगी, और यहाँ रहकर तारा और सितारा का जीना हराम करूंगी। कांतारा के गांव में आने से ही
संग्रामपुर में उसकी वाहवाही और उसके साहसी किस्सों की लहर दौड़ चुकी थी। यहाँ तक कि राजा भी बकायदा कांतारा के घर जाकर उसके किस्से सुना करते थे। अब तारा और सितारा एक साथ रहा करते थे। पता नहीं तुम्हारे साथ रहकर समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि किस्से सुनते जाऊं, सुनते जाऊं, सुनते जाऊं। क्या बताऊं महाराज, मेरे किस्से कभी खत्म होंगे ही नहीं। और अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। बाकी के गांव वाले और सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे। राजा के जाते ही तारा और सितारा वहां पर आ गईं। तारा के हाथों में लाल मिर्च थी और अपने हाथों को पीछे करके कांतारा के घर में जा पहुंची। कैसी हो बहन, उस दिन हमें प्रतियोगिता में हरा कर बहुत नाम कर लिया तुमने। अच्छा, तो तुम ही हो वो दोनों बुढ़िया जिन्होंने कई सालों से गांव वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, हम ही हैं वो। और जब से तुम आई हो हमारा डर खत्म हो गया है। उतने में वहाँ पर लखन आता है और कांतारा को अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन परोसता है, जिसे देखकर तारा और सितारा दंग रह जाती हैं। ये लो दादी, आपके लिए मेरी बनाई हुई चिकन जो पूरे संग्रामपुर में मशहूर है। वाह बेटा, हमारे लिए तो तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। एक पैसा मुफ्त में नहीं दिया और अब यहाँ इतनी खातिरदारी कर रहे हो। मुझसे तुम दोनों ने बहुत काम करवाए हैं। चिकन में लाल मिर्च कम होगा, ये लो। ये कहते ही झटके से तारा ने अपना हाथ पंखे की तरफ कर दिया, जिससे सारा मिर्ची पाउडर कांतारा पर जा सके। लेकिन कांतारा इतनी फुर्तीली थी कि वो वहाँ से इतनी तेज हटी कि तारा और सितारा किसी को पता नहीं चला और कांतारा उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया कहाँ गई? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो अपने प्लान की तरह ही सब कुछ किया था और अब ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं यहाँ हूँ। सितारा और तारा दोनों कांतारा पर क्रोधित हो चुके थे। उतने में वहाँ पर राजा के दो सैनिक और मंत्री आए और कहने लगे, बस अब बस करो तुम लोग, महाराज लापता है, उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। क्या कहा तुमने, संग्रामपुर के राजा लापता है? हो ना हो, उन्हें इसी चुड़ैल ने गायब किया है। यही आया करते थे वो हमेशा किससे सुनने। हाँ, इस बुढ़िया की बात में दम है। तुम सब पागल हो गए हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन राजा को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहकर कांतारा वहाँ से अकेले ही जंगल की तरफ राजा को ढूंढते हुए निकल पड़ती है। जंगल में डाकुओं और जानवरों का कहर था। लोग बाग जंगलों में जाने से डरा करते थे। तारा और सितारा ने कांतारा को जंगल में जाते हुए देखा। लो, हो गया कल्याण, कांतारा अब जंगल से बाहर नहीं आने वाली। वहाँ डाकू और कई सारे जंगली जानवर हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि हम अगर राजा को अगवा कर लेंगे तो कांतारा पर सारा इल्जाम आ जाएगा, और देखा वही हुआ। मानना पड़ेगा, बुढ़ा गई हो फिर भी तुम्हारा दिमाग लाजवाब है। कांतारा जंगल में अकेले भटकने लगी। जैसे ही कांतारा घने जंगल की ओर बढ़ी, एक घास में उसका पैर फंस गया और वो एक रस्सी से उल्टी लटकने लगी। देखा सरदार, मैंने कहा था ना, ये तरकीब मैंने फिल्मों में देखी है। मान गए पट्टे तुझे। अच्छा मजाक है। कांतारा ने उस रस्सी से अपना पैर ऐसे झटका कि वो रस्सी टूट गई और कांतारा नीचे उन डाकुओं के बीच खड़ी हो गई, जिसे देखकर सारे डाकू भयभीत हो गए। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल! सारे डाकू अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कांतारा से डरकर भागने लगे। कांतारा भी उनके तरफ उतनी ही तेज भागने लगी कि उनसे पहले उनके किले यानी डाकुओं के स्थान पर पहुँच गयी, जहाँ उन्होंने कांतारा को देखा और चौंक गए। मालिक, ये बुढ़िया पागल हो गई है, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। इससे पहले कि ये हमारी जान ले ले, हमें ही सोचना होगा कि इसका उपाय क्या है। हाँ, तुमने सही कहा। क्या चाहती हो तुम हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब जाकर कांतारा ने उन डाकुओं से कहा, तुम सच बताना वरना तुम सबकी खैर नहीं। बताओ,
संग्रामपुर के राजा कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है? बताओ, बताओ मुझे। कौन राजा और कैसा संग्रामपुर? हमने किसी को अगवा नहीं किया। हमारी रोजी रोटी तो इस जंगल से ही अच्छी चल जाती है। हम डाकू कम और लकड़हारे ज्यादा हैं। लकड़ियाँ काट काट कर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। कांतारा समझ चुकी थी कि उन डाकुओं को राजा के बारे में कुछ नहीं पता और वो अपने गांव संग्रामपुर के लिए निकल गई, जहां तारा और सितारा दोनों कांतारा का जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे। आज अगर जंगल के बाहर आ गई, तो मैं इस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। तुम भूल रही हो, वो हमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है। उसके पास भी हमारे जैसी ही शक्तियाँ हैं, जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। कांतारा उन्हें जंगल के बाहर देखकर ही समझ जाती है कि तारा और सितारा का ही राजा के अगवा होने में हाथ है। मैं तुम दोनों की सारी चाल समझ चुकी हूँ। तुम दोनों ने ही राजा को अगवा किया है ताकि मैं ये गांव छोड़कर जा सकूं। तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम दोनों की अब खैर नहीं। तुम भूल जाती हो कि मेरे साथ सितारा है और हम दोनों मिलकर तुम्हारा जीवन संग्रामपुर में दुश्वार कर देंगे। तारा और सितारा अब एक हो चुकी थी। तारा ने एक पेड़ जमीन से उखाड़ा और कांतारा के ऊपर फेंक दिया। कांतारा अपनी फुर्तीली तेजी से वहाँ से हट गई। दूसरी ओर सितारा ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया और कांतारा को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ने लगी। तुम देखना, अब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। कांतारा सितारा और तारा को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकी और उनसे बचकर गांव के बीचों बीच चौराहे पर जा पहुंची। कांतारा चौराहे पर बहुत तेज गई। तारा और सितारा भी उस चौराहे पर चले गए, जहां सितारा ने अपना रूप पहले जैसा कर लिया। आओ बहनों, आओ मेरे पास और मेरा कमाल देखो। क्या हुआ माँ जी, क्या हो गया? वही सारे गांव वाले और मंत्री भी इकट्ठा थे, जिन्हें देखकर तारा और सितारा ने कहा, इस बुढ़िया ने ही राजा को अगवा किया है। हाँ, और हम इनका पीछा कर रहे थे, ये भागकर यहाँ चौराहे के पास आ गई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांतारा, तारा और सितारा को बीच में खड़ा कर उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, जिससे तारा और सितारा चक्कर खाकर नीचे जमीन पर बैठ गईं। हे भगवान, हे भगवान, हमारी गलती है, हमें माफ करो, हमें माफ करो। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है, कोई हमें समझाएगा? अपनी गलती मानते हुए सितारा और तारा ने कहा, राजा को हमने ही अगवा किया है। लेकिन क्यों किया? हमसे इस कांतारा की वाहवाही देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। मंत्री ने तारा और सितारा को बंदी बनाकर कारावास में डलवा दिया। जाते जाते तारा ने कांतारा से कहा, आज तो तुम बच गई, लेकिन भूलना मत, हम दोबारा आएंगे और तुम्हारी खैर नहीं। जेल क्या चीज है, मैं अगर पाताल लोक में भी रहती तो भी तुम्हें नहीं छोड़ती। मंत्री और कांतारा ने मिलकर राजा को कैद से छुड़वाया और उन्हें उनकी राजगद्दी सौंप दी, जिससे राजा कांतारा की प्रशंसा करने लगे। तारा और सितारा को कारावास में कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन भरी सभा में मंत्री जोर से चिल्लाते हुए आए और कहने लगे, महाराज, महाराज, तारा और सितारा जेल से फरार हो चुकी हैं और कांतारा दादी भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अब कौन सा नया कारनामा होने वाला है, मेरा तो जी घबरा रहा है। कुछ दिन बीत चुके थे, सितारा और तारा जेल से फरार थे। पूरा संग्रामपुर राजा के दरबार में उपस्थित था। महाराज, पूरा संग्रामपुर तारा, सितारा और कांतारा की खोज कर रहा है। संग्रामपुर वासियों की चिंता मुझे भी हो रही है, पता नहीं उनके वापस आने पर क्या क्या होगा। इसीलिए महाराज, मेरा सुझाव ये है कि उन तीनों को हमें इस गांव से बेदखल कर देना चाहिए। मंत्री, तुम होश में तो हो, ये सब क्या बातें कर रहे हो? वो तीनों हमारे गांव की आन बान और शान है, उनके यहाँ रहने की वजह से ही दूसरे गांव से हमारा युद्ध नहीं होता।
राजा और प्रजा के बीच में गहरी बातें हो ही रही थीं कि राजा के सेनापति वहाँ पर भागते हुए आए और कहने लगे, महाराज हमारे गांव पर धूमपुर के राजा और उनकी सेना ने हमला कर दिया है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सारे राज्य में आपातकाल घोषित कर दो और तुम सब किसान जितने भी संग्रामपुर के जवान हैं, इन्हें सारे जंग का सामान दे दो। जैसा आप कहें महाराज, हम उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं संग्रामपुर में किसी दूसरे राजा को आने ही नहीं दूंगा, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ सही कहा, हम संग्रामपुर की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। धूमपुर के राजा युद्ध भूमि में आ चुके थे और वहाँ से ऐलान कर रहे थे, लगता है संग्रामपुर में अब कोई शूरवीर नहीं बचा है। कैसे बचेगा, वो दोनों बुढ़िया जो नहीं है, हर बार हम उनके डर से हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पूरा संग्रामपुर हमारा। धूमपुर के राजा संग्रामपुर में हमला करने ही वाले थे कि युद्ध भूमि में कांतारा आ गई, जिसे देखकर धूमपुर के राजा ने कहा, अब ये कौन है, रथ से इस बुढ़िया को उड़ा दो। धूमपुर के राजा ने कांतारा को रथ से ठोकर मारने का आदेश दिया। जैसे ही रथ कांतारा के पास पहुंची, कांतारा ने एक छलांग ऐसी लगाई कि रथ एक पत्थर से टकरा गया। बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मुझसे लड़ने आना। कांतारा इतनी फुर्तीली थी कि धूमपुर के राजा के पास पलक झपकते ही पहुंच गई। उनकी पूरी सेना कांतारा को रोक नहीं पाई। भागो, ये कोई चुड़ैल है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इस बुढ़िया ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। धूमपुर के राजा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सारी सेना वहाँ से भाग चुकी थी। तब कांतारा ने धूमपुर के राजा से कहा, तुम्हें तारा और सितारा की खबर किसने दी, बताओ मुझे, आखिर ये बात धूमपुर तक कैसे पहुँची। धूमपुर के राजा कांतारा के डर से सारी सच्चाई बोलने लगे, कुछ दिन पहले मेरे पास तारा और सितारा आई थी, वो अब धूमपुर में रहने लगी है और उन्होंने पूरे धूमपुर में धूम मचा रखी है। अब तुम उन्हें ये मत बताना कि तुमने ये सारी चीजें मुझे बता दी हैं। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दादी अम्मा जो भी आपको करना है थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि धूमपुर में उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उनके डर से ही मैंने संग्रामपुर पर हमला किया, वरना हमारा जीवन तो सुख और शांति से बीत रहा था। कांतारा को अब तारा और सितारा की बात पता चल चुकी थी। तारा और सितारा जेल से फरार होकर धूमपुर में थी और वहाँ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताने की कोशिश कर रही थी कुछ इस तरह। अरे हलवाई, आज खाने में क्या पकाया है? कई दिनों से हमें तुम स्वादिष्ट खाना नहीं बनाकर खिला रहे, तुम हमें जानते नहीं हो। हमारी उम्र पर मत जाना, हम पूरे धूमपुर की बैंड बजा सकते हैं। हमने आपके लिए आज बिरयानी बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हलवाई उन्हें खाना परोसकर खिलाता है, लेकिन बिरयानी का एक निवाला खाते ही सितारा ने उसकी गर्दन पकड़ी और हवा में उठा दी। अरे ये क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे, ऐसा भी कोई करता है भला? औरत होकर आप इस तरीके से हमारे साथ पेश आ रही हैं? तुमने हमें समझा क्या है ये बताओ, आज तो खैर नहीं है तुम्हारी। यही बिरयानी तुमने हमें दो दिन पहले भी खिलाई थी और तुम दोबारा उसे लेकर हमारे पास आ रहे हो, बस गरम ही तो किया है तुमने। इसे छोड़ दो, इसकी मिठाई की दुकान भी है, वहाँ चलो। सजा सिर्फ एक को और सबक पूरे धूमपुर वासियों को। तारा और सितारा उस हलवाई की मिठाई की दुकान पर चली जाती हैं। तब वहाँ कांतारा उसी दुकान पर चली जाती है और तारा और सितारा से कहती है, क्या मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? तारा और सितारा दोनों ही कांतारा को देखकर घबरा जाते हैं। हमें पता था कि तुम हमारा पीछा करते हुए आओगी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा जंगल में रखा हुआ है, चलो हमारे साथ। मैं तुम दोनों के बहकावे में नहीं आने वाली, लेकिन मैं तुमसे डरती भी नहीं हूँ, चलो क्या है मैं भी तो देखूं।
और सितारा कांतारा को लेकर धूमपुर के जंगल में चले गए, जहां पेड़ पर 5 मटके लटके हुए थे, जिन्हें देखकर कांतारा बेहद सहम गई और कहने लगी, ये मटके यहाँ पर कहाँ से आए? आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई किसने बताई? जिस गुरुकुल में तुमने ये शक्तियाँ हासिल की हैं, उस गुरुकुल के छात्र हम भी हैं। बस फर्क इतना सा है कि हमारी शक्तियाँ हमारे साथ हमेशा रहेंगी, और अगर हमने इन मटकों में से एक भी मटका फोड़ा, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। चाहे जो करना चाहो कर लेना, लेकिन इन मटकों को मत फोड़ना। उन मटकों के फूटने से कांतारा की शक्तियाँ खो जाती, इसलिए वो तारा और सितारा के पास गिड़गिड़ाने लगी, जिसका तारा और सितारा ने पूरा फायदा उठाया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर संग्रामपुर छोड़ दो और जहाँ से आई थी वहाँ लौट जाओ। तारा और सितारा बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर संग्रामपुर के राजा अपनी सेना और मंत्री के साथ आ गए और कहने लगे, अच्छा तो ये मटके हैं तारा और सितारा के ताकतवर होने की वजह? मंत्री, लखन के साथ मिलकर इन मटकों को तोड़ दो। मटकी मैं तोड़ूंगा। लखन और सेनापति पेड़ पर लटकी मटकी फोड़ने जा ही रहे थे कि कांतारा चीखते हुए उन्हें रोकने लगी, नहीं महाराज, नहीं, ये मटकी मत फोड़िए वरना विपदा आ जाएगी। कांतारा एक ही झटके से उन मटकों के पास पहुंच गई। रुक जाओ, मैं सारी बातें बताती हूँ, तुम मटकी मत फोड़ो। तारा सितारा के साथ सभी मिलकर कांतारा की बातें सुनने लगे। तब कांतारा ने कहा, ये बात बहुत पहले की है, जब मैं जवान हुआ करती थी, गुरुकुल में मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से। नादान बालिका, तुमने आज जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जो भी शक्तियाँ तू हासिल करेगी वो शक्तियाँ केवल इस मटके के माध्यम से जीवित रहेंगी। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। और श्राप तब टूटेगा जब तुम काबिल बन जाओगी। आखिर तुमने गुरुकुल में ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें श्राप भुगतना पड़ा? ये चीज हमें भी बताओ, आखिर उस समय हुआ क्या था? सारे कांतारा से सच्चाई सुनने के लिए पूरा जंगल शांत हो चुका था। तारा और सितारा के साथ संग्रामपुर गांव के राजा और उनकी पूरी सेना लखन समेत कांतारा की कहानी सुन रहे हैं। मैं तुम सबको सारी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उसी गुरुकुल पर चलना होगा, वहीं सारी बात तुम समझ जाओगे। कल सुबह 7 बजे संग्रामपुर गांव के चौराहे पर मिलना। हमारे पास कहीं और जाने के लिए समय नहीं है। हाँ हाँ, और हम तुम्हारी बात क्यों माने? जिसने गुरुकुल के धर्म का पालन नहीं किया वो किसी की सगी नहीं हो सकती। इतना कहते ही सितारा ने अपना कद बड़ा कर लिया। कांतारा सहम गई और सितारा ने न आओ देखा न ताओ और सारे मटके एक लकड़ी से तोड़ दिए। नहीं, ये क्यों किया तुमने? कांतारा की आंखों में बेबसी के आंसू छलक उठे और कांतारा वहाँ से घने जंगल की ओर दौड़ पड़ी। मेरी आई हमसे पंगा लेने के लिए, अब आया ना मजा? तुमने बिल्कुल सही कहा, जब भी संग्रामपुर का नाम कांतारा के कानों में पड़ेगा डर से कांपने लगेगी वो। अब तो हम पूरे संग्रामपुर में राज करेंगे, उत्पात मचाएंगे, लोगों को सबक सिखाएंगे। सारे गांव वासी तारा और सितारा को देखकर भयभीत हो गए। सारे शक्तिशाली मटके फूट चुके थे, संग्रामपुर के राजा भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। लखन और गांव के कुछ लोग घने जंगल में कांतारा को ढूंढने चले गए। कांतारा दादी, दादी, आप कहाँ हो? दादी,
अब हम गांव वालों का ध्यान कौन रखेगा? आप कहाँ हो? ऐसे ही हमेशा लखन और कुछ गांववासी घने जंगल में जाया करते और कांतारा को ढूंढने की कोशिश किया करते, पर कांतारा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी ओर तारा और सितारा ने संग्रामपुर में कहर ढा दिया था। क्यों सितारा, क्या किया जाए इस मछली वाले का? करना क्या है? तुमने उन मछलियों को तड़पते हुए देखा है? जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो वो दर्द से कराह रही होती है। हम तुम्हें उससे ज्यादा दर्द देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज केवल रावस मछली ही अपने पास रख पाया। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपकी मनपसंद मछली आपको ला कर दे दूंगा। उस दुकान वाले की एक न सुनकर तारा ने जमीन पर अपना पैर जोर से पटक दिया। बाजार के सारे दुकान वाले अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बुढ़िया पागल हो गई है, भागो! सबके सब बाजार छोड़कर भागो, बुढ़िया पागल हो गई है। देखा मेरा कमाल, कि और दिखाऊं? नहीं नहीं, आपको जितनी मछलियाँ चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। मैं यूं गया और यूं आया, मैं आपके पलक झपकते वापस आ जाऊंगा। चलो अब इसका काम तो तमाम हो गया। ऐसे ही संग्रामपुर में तारा और सितारा ने अपना हक जताना शुरू कर दिया था। संग्रामपुर के सभी गांववासी डर के मारे राज दरबार में गए और अपनी चिंता राज दरबार में कहने लगे। महाराज, इस गांव को बचा लीजिए, संग्रामपुर को बचा लीजिए। उन दोनों बुढ़ियों ने संग्रामपुर पर कहर ढा रखा है। अरे लखन, तुम्हें अब क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा और सफल चल रहा है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तारा और सितारा ने पूरे गांव में हल्ला बोल दिया है, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा, हर जगह दोनों ने उत्पात मचा रखा है। राजा सबकी बात सुनकर विवश हो गए और बड़ी ही सरलता से कहने लगे। मैं तुम सबकी बातें समझ रहा हूँ, पर हम संग्रामपुर वासियों को एक बात समझनी होगी। गाँव में जब भी कोई तकलीफ होती है, तारा और सितारा हमें उस तकलीफ से निकाल देती हैं, तो भला हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? तो इतना आतंक तो उनका हमें सहना ही होगा। राजा अपनी बातें प्रजा के सामने रख ही रहे थे कि वहाँ पर सेनापति कहने लगे। महाराज, महाराज, हमारे गांव में धूमपुर के राजा ने दोबारा हमला कर दिया है और वो एक बड़ी भयानक चीज के साथ हमारे राज्य में आ चुके हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है। सिपाहियों, तैनात हो जाओ, हमें इनसे हार नहीं माननी है, आज धूमपुर को धूल चटा कर ही रहेंगे। राजा अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में चले जाते हैं। जैसे ही युद्ध भूमि में सभी पहुँचे, वहाँ का दृश्य देखकर सारे हैरान रह गए। कौन कहता है कि शेर हार जाता है? जब शेर एक कदम पीछे जाता है ना, तो वो अपने शिकार के लिए जाता है, ताकि वो अपना शिकार अच्छे से कर सके। लेकिन तुम तो गीदड़ हो, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। इतना कहते ही वहाँ पर एक भयानक स्त्री जो एक चुड़ैल के रूप में थी सबके सामने आ गई, जिसे देखकर संग्रामपुर के राजा डर गए। भगुने भादे भगड़ बोल स्वाहा। जैसे ही सोमलता ने मंत्र पढ़ा, सारे संग्रामपुर में आग लग गई। सब भयभीत हो चुके थे। तब संग्रामपुर के राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुसीबत के वक्त तारा और सितारा कहाँ हैं? उनका यहाँ होना जरूरी था, उन्हें बुलाओ। तुम उन छुछुंदरी बुढ़ियों की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें पहले से ही बंदी बनाकर रखा है, ये देखो। संग्रामपुर के राजा चौंक गए। उन्होंने देखा सोमलता ने तारा और सितारा को जादुई रस्सी से पेड़ पर बांधा हुआ है। आखिर ये सब कैसे संभव है? तुमने तारा और सितारा को बंदी कैसे बना लिया? तुम हो कौन और तुम्हारा राज क्या है, और तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम अगर संग्रामपुर की भलाई चाहते हो, केवल 10 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपनी प्रजा के साथ अपना राज्य नहीं छोड़ा, तो तुम्हें मैं नानी याद दिला दूंगी। तुम हो कौन और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। लखन के इतना कहते ही सोमलता ने अपनी शक्तियों से लखन को हवा में उछाल दिया।
लखन का पूरा शरीर हवा में था। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे माफ कर दो। ऐसा अब तक कोई पैदा नहीं हुआ जो सोमलता को हरा पाए। देखा संग्रामपुर वासियों, तुमने, ये है तुम्हारी असलियत, ये है तुम्हारी पहचान। मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि दोबारा जरूर आऊंगा और अगली बार पूरा संग्रामपुर लूट कर जाऊंगा। तारा और सितारा को उसी दशा में छोड़कर और आखिरी चेतावनी देकर धूमपुर के राजा और सोमलता वहाँ से चले गए। ये क्या हाल बना दिया मेरे गांव का, और मैं कुछ ना कर सका। ये बड़ी चिंता की बात है महाराज, तारा और सितारा को हमने पहली बार इतना डरा और सहमा पाया, हमें उन्हें जाकर देखना चाहिए। हमें तारा और सितारा से बात करनी होगी। राजा तारा के घर जाने लगे। राजा ने उन्हें इतना डरा और सहमा हुआ पहली बार देखा था। तुम दोनों की ये अवस्था आखिर हुई कैसे? कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ? सोमलता ने तुम्हें बंदी कैसे बना लिया और तुम दोनों इतने असहाय कैसे हो गए? उस सोमलता के पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तियाँ हैं। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, एक भयानक तांत्रिक भी है। जो भी सोमलता के सामने शक्तिशाली होता है, उसकी सारी शक्तियाँ सोमलता के पास चली जाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? यानी ये कि दुश्मनों की आधी शक्तियाँ सोमलता अपनी ओर खींच लेती है और वो दो गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। तुम दोनों की हालत देखकर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इस राज्य को छोड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। राजा सितारा और तारा को डरा हुआ देख अपने मंत्री से कहता है, हमें कांतारा को ढूंढना होगा। धूमपुर से हमें कांतारा ही बचा सकती है। लेकिन महाराज, कांतारा की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, और अब हम उनकी शक्तियाँ लाएंगे कैसे? इसका सुझाव हम जंगल जाकर ही पता लगाएंगे, जहाँ कांतारा अदृश्य हो गई थी। राजा और मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में कांतारा को ढूंढते हुए चले जाते हैं। कांतारा, कहाँ हो तुम? हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम वापस आ जाओ। उन्हीं का पीछा करते हुए वहाँ पर तारा और सितारा भी आ गईं और राजा से कहने लगी, कांतारा इस जंगल में नहीं है, मुझे पता है, और हम उस सोमलता का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें कांतारा की जरूरत है। पर हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हमें सिर्फ 8 दिनों में कांतारा को ढूंढना है, वरना धूमपुर के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, हम कल ही गुरुकुल जाएंगे। तारा, सितारा और राजा तीनों ही अगले दिन गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम सब यहाँ इस गुरुकुल में क्या कर रहे हो? आखिर तुम सब अब मुझसे चाहते क्या हो? हमारा गांव संग्रामपुर खतरे में है। मैं एक लाचार राजा के रूप में तुमसे मदद मांगने आया हूँ। काश मेरी शक्तियाँ मेरे पास होती, काश गुरुजी ने मुझे। हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लाने में मदद करेंगे। बस अब तुम बताओ, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। श्रापित कांतारा की वजह से ही हो रहा है ये। चाहे जो हो जाए, हमें कांतारा की जरूरत है। हम उसकी शक्तियाँ वापस दिलाकर सोमलता से लड़ेंगे। कांतारा उन्हें लेकर गुरुकुल के पास गई। राजा वहाँ से संग्रामपुर की ओर चले गए। कांतारा को बाहर छोड़कर तारा और सितारा गुरुकुल के पास गई। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, कांतारा अपनी शक्तियाँ हासिल करने के लिए गुरुकुल में चली गई। कांतारा आश्रम के अंदर नहीं जा पाई। तारा और सितारा विश्व गुरु के आश्रम में चले जाते हैं। विश्व गुरु उस वक्त ध्यान में थे। तारा और सितारा ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अरे अब तो उठ जाइए, देखिए हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं, और आप पर तो हमारा एक एहसान भी बाकी है, उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। जैसे ही विश्व गुरु ने तारा और सितारा की बात सुनी, वो डर कर उठ खड़े हुए और कहने लगे,
तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो यहाँ आने वाली नहीं थी ना, और अब यहाँ कैसे? अरे आपको तो हम अच्छे से याद है, चलो ये अच्छा है। मुझ पर कृपा करो और यहाँ से चली जाओ, कृपा करो। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं, तो आपको कांतारा को श्राप से मुक्त करना होगा। ये कदापि उचित नहीं है, हमारे गुरुकुल के नियमों के विरुद्ध है। लगता है आप भूल रहे हैं, मैंने आप पर एक उपकार किया है, जल अमृत उपकार। जल अमृत मैंने ही आपको कांतारा से वापस ला कर दिया था। जल अमृत का नाम सुनकर तारा सहम गई और कहने लगी, इसका मतलब गुरुकुल से जल अमृत कांतारा ने चुराया था। तारा सितारा कांतारा और सोमलता जब गुरुकुल में थे तो कांतारा उम्र में बड़ी और चतुर थी। तब विश्व गुरु ने कहा, इस गुरुकुल को शुरू किए हमें पूरे 100 साल हो गए हैं, और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। लेकिन आप तो हमें 100 साल के नहीं लगते, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अब अगर किसी ने गुरुकुल और विश्व गुरु के बारे में कोई बात कही, मैं स्वयं उसे दंड दूंगी। तब जाकर विश्व गुरु ने जल अमृत के बारे में बताया, इस गुरुकुल का जो भी विद्यार्थी सबसे सफल और गुणी होगा, हम उसे ये जल अमृत देंगे। ये जल अमृत तो मुझे ही मिलेगी, बड़ी आई जल अमृत लेने वाली, मुझसे ज्यादा चतुर और बलवान यहाँ कोई नहीं है। इस जल अमृत को मैं ही हासिल करूँगी, सबके सोते ही मैं उसे ले जाऊंगी। इस गुरुकुल में कई सालों से हूँ मैं, और ये छोटी छोटी गुड़िया कहाँ से ले जाएंगी जल अमृत, चाहे छल से या बल से। उस रात सबके सो जाने के बाद सोमलता जल अमृत को चुराने के लिए विश्व गुरु के कक्ष में चली गई, और उसका पीछा करते हुए कांतारा भी चली गई। जल अमृत विश्व गुरु के कक्ष में शक्तियों से कैद होता है। सोमलता अपनी शक्तियों से उस कैद को तोड़कर जल अमृत पीने लगती है। जैसे ही सोमलता ने जल अमृत पीना शुरू किया, गुरुकुल की धरती कांपने लगी, जिसे देख सोमलता वहाँ से भाग गई, और कांतारा ने उस जल अमृत को उठा लिया, और उन्हें विश्व गुरु ने देख लिया। पाप, तुमने पाप कर दिया, घोर पाप कर दिया। अब से तुम इस गुरुकुल की सबसे शापित विद्यार्थी बन गई। अभी से तुम्हारी शक्तियाँ इन मटकों में कैद हो जाएंगी, जब तक तुम अपने इस पाप का प्रायश्चित ना कर लो। नहीं नहीं, मैंने बस उत्सुकता से जल अमृत को पी लिया। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, और दोबारा मुड़कर इस गुरुकुल में कभी मत आना। कांतारा से सितारा ने जल अमृत लेकर विश्व गुरु को दे दिया। विश्व गुरु से श्राप पाकर कांतारा ने गुरुकुल त्याग दिया और अन्य जगह पर जाकर रहने लगी। परंतु गुरुजी, इसका कोई उपाय होगा ना कांतारा की शक्तियाँ वापस लाने का, वरना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। ऐसी कौन सी अनहोनी तारा और सितारा के सर पर मंडरा रही है, आखिर बात क्या है, तुम दोनों क्यों चिंतित हो? तब जाकर तारा और सितारा ने अपनी सारी बातें विश्व गुरु को बताई। क्या कहा तुमने? सोमलता, लगता है तुम्हें पता नहीं, सोमलता इस गुरुकुल की सबसे होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके अहंकार के कारण हमें उसे गुरुकुल से निकालना पड़ा। उसे अपनी ताकत पर बहुत अहंकार हो गया था, दूसरों की शक्ति वो अपने काबू में कर सकती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें। कांतारा के श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, गुरुकुल के बाहर एक शक्तिशाली खजूर का पेड़ है जिसका कद 200 फीट है। तुम्हें वहाँ से जाकर एक मटका निकालना होगा जो नामुमकिन के बराबर है, और उस मटके को तोड़कर उसमें रखा जल कांतारा को पिलाना होगा, तब जाकर कांतारा की शक्तियाँ वापस आएंगी। तारा और सितारा ने सारी सच्चाई और रहस्य जान लिया था, और कांतारा की शक्तियाँ लाने वो उस खजूर के पेड़ के पास चले गए। बस इतनी सी बात? सितारा ने अपना कद बहुत ही बड़ा कर लिया और उस खजूर के पेड़ से मटका निकाल कर जमीन पर रख दिया।
मटका पूरा हीरों और जवाहरातों से भरा हुआ था। हमें इस जादुई मटके को तोड़ना होगा। ये सामने पड़े हुए हीरे जवाहरात लालच के प्रतीक हैं। हमें इसे तोड़ना होगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा ने अपना वजनी हाथ उस मटके पर मारा। सारी जमीन कांपने लगी। आसमान में पक्षियों की चहल पहल होने लगी। तब सितारा ने जादुई मटके से एक लोटा जल निकाला। इसे जल्दी से कांतारा को हमें पिलाना होगा। जल्दी चलो। तारा और सितारा ने जाकर कांतारा को जादुई मटके का जल पिला दिया, जिससे कांतारा का सारा श्राप खत्म हो गया। तब उनसे विश्वगुरु ने कहा, तुम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, सब प्रसन्न चित रहना। उस सोमलता से मैं बदला जरूर लूंगी। मैं बताऊंगी कि असली गुरुकुल का छात्र कौन है। चलो अब बस भी करो, हमें उस सोमलता से अपना बदला लेना है। जल्दी चलो, अपनी तेज वाली रफ्तार से हमें वहाँ पर ले चलो। कांतारा तारा और सितारा के साथ संग्रामपुर गांव चली गई, जहाँ राजा और प्रजा सभी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उनसे कहा, पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी है। आधे से ज्यादा गांव वाले हमारा संग्रामपुर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ही देर में धूमपुर के राजा सोमलता को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। सुबह होने ही वाली थी। धूमपुर के राजा और सोमलता वहाँ पर अपनी सेना के साथ आ पहुँचे। लगता है तुम्हें पिछली बार की मार याद नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ओह, हम भी डर गए। हमें बहुत डर लग रहा है। देखो मैं कांप रही हूँ। और तुम अपने आप को समझती क्या हो? उस दिन तो तुमने धोखे से हमें कैद कर लिया था। तारा और सितारा जैसे ही हटी, सोमलता की नजर कांतारा पर पड़ी और सोमलता ने कहा, अच्छा तो इसलिए तुम सब इतरा रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास गुरुकुल की चोरनी है। और मैं ये बात बखूबी जानती हूँ कि उस रात तुमने विश्वगुरु के कमरे से जलमृत निकाला था। तुम्हें पकड़ने के चक्कर में श्राप मुझे लेना पड़ा। असल बात ये थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आखिर तुम्हें असली बात पता चल ही गई, तो ये लो। इतना कहकर सोमलता ने तारा और सितारा की तरफ एक बड़ा सा युद्ध रथ उठाकर फेंक दिया। कांतारा ने तेजी से जाकर उस रथ को रोक दिया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अच्छा तो तुम्हारे पास अब जादुई शक्तियाँ भी हैं। खजूर के पेड़ से मटका आखिर तुमने निकाल ही लिया। सोमलता ने इतना कहा ही था कि सोमलता ने अपना मंत्र पढ़ा, भागुनी भादेव भगड़ बोल स्वाहा। सोमलता ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, चारों तरफ अंधकार छा गया और सोमलता की शक्तियों से तारा सितारा और कांतारा हवा में उड़ने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये कला तो केवल गुरुकुल में विश्व गुरु को ही आती थी। बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। ये सब कैसे हो रहा है? हो ना हो, इसमें विश्व गुरु का कुछ हाथ है। हवा में उड़ते हुए ही कांतारा ने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की और सोमलता के ऊपर एक विशाल पत्थर फेंक दिया, जिसे सोमलता ने एक ही झटके में तोड़ दिया। तारा सितारा और कांतारा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए। मैं अब भी तुम सबसे कहती हूँ, हार मान लो, मेरी बात मान लो। सोमलता ने इतना कहकर सभी को अपनी जादुई रस्सी से एक पेड़ पर बांध दिया। सारे के सारे संग्रामपुर वासी सहम गए और चिंतित हो गए। तब वहाँ के राजा ने कहा, मैं हार मान रहा हूँ, हमें छोड़ दो। ये तो होना ही था। कोई नहीं है मुझसे ताकतवर। देखा, तुम सबका मैंने क्या हाल कर दिया।
उस गुरुकुल ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी और मैंने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अब मैं इस पेड़ को अपनी जादुई शक्तियों से अदृश्य कर दूंगी, तुम सब के सब एक मटके में कैद हो जाओगे। सोमलता उस पेड़ के सामने खड़ी होकर मंत्र पढ़ने ही जा रही थी कि वहाँ पर विश्व गुरु आ गए और उन्होंने सोमलता के सामने जल अमृत रख दिया। नहीं गुरुजी, यह जल अमृत पीकर हमें बर्बाद कर देगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं। जैसे ही सोमलता उस जल अमृत को पीने के लिए आगे बढ़ी, विश्व गुरु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया जिससे सारा समय रुक गया। सभी एक जगह पर स्थिर खड़े हो गए। सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु ही समय को मात दे सकते थे। उन्होंने सोमलता को अपनी शक्तियों से एक मटके में कैद कर लिया। मैं अब तुम्हें और अन्याय करने नहीं दे सकता, अब तुम्हें आजाद नहीं करने वाला। विश्व गुरु ने सोमलता को समय रोक कर अपने जादुई मटके में कैद कर लिया और समय को दोबारा शुरू कर दिया। गुरुजी नहीं। अरे ये क्या, सोमलता कहाँ गई? गुरुजी आपने क्या किया, ये सब कैसे हो गया? सोमलता मेरी ही बेटी है और सोमलता के अहंकार के चलते ही मैंने उसे इस मटके में कैद कर लिया है। मुझे ये बात गुरुकुल के भविष्यवाणी से पता चली कि उस रात जल अमृत कांतारा ने नहीं बल्कि सोमलता ने चुराए थे और मैं भूल से ही कांतारा को श्राप दे बैठा। सोमलता के मटके में कैद होते ही तारा, सितारा और कांतारा जादुई रस्सी से रिहा हो गईं। अब मुझे सारा माजरा समझ में आया। तुम्हें अपनी बेटी होने के कारण ही कांतारा को श्राप देना पड़ा ताकि गुरुकुल का आदर्श बना रहे। सारी बातें जानकर कांतारा ने कहा, गुरुजी ने सोमलता को सजा दे दी, अब हमें धूमपुर के राजा को सबक सिखाना है। और क्या था, तारा, सितारा और कांतारा मिलकर अपनी शक्तियाँ दिखाने लगी। सितारा ने अपना कद बड़ा कर लिया और सैनिकों को अपने हाथों से गांव के बाहर उठाकर फेंकने लगी। छोड़ दो हमें, भागो, छोड़ो हमें, हमें छोड़ दो, भागो। दूसरी ओर कांतारा धूमपुर के राजा के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी जिससे धूमपुर के राजा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा संग्रामपुर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। संग्रामपुर के राजा ने तीनों तारा, सितारा और कांतारा के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा। विश्व गुरु अपने गुरुकुल में दोबारा लौट गए। आज तारा, सितारा और कांतारा के सम्मान में मैंने अच्छी अच्छी मछलियाँ बनवाई हैं, तो सभी गांव वाले आ जाना। ये मछलियाँ मैं ही खाऊंगी। बड़ी आई मछलियाँ खाने वाली, मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। तारा और सितारा मछली खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। तब कांतारा ने कहा, ये दोनों नहीं सुधरने वाली, कहने को तो कितनी चालाक और समझदार है पर है अभी भी बच्चों की तरह।